देखिए, कल हटा के बाद से ही हमारी टीम में जो है वो एक्टिव हो गई थी। आज के जो कुछ लीड्स हमको मिले, कुछ इनपुट्स मिले, उनकी बेसिस पे हमने दो स्पेसिफिक एक्सीज पे जो है ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, सर्चेज लॉन्च की हैं, और उन लीड्स को ट्रैक करते हुए हमारी तकरीबन 11 टीम्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। और जैसे जैसे हमारे पास और लीड्स और अपडेट्स आते रहते हैं, वील कीप शेयरिंग विद यू। तो ये आर्मी सीआरपीएफ सब का ज्वाइंट ऑपरेशन, ऑब्वियसली इसमें सारी फोर्सेस जो हैं वो ज्वाइंटली पार्टिसिपेट कर रही हैं। आर्मी की भी हमारे पास टीम्स हैं, उसके बाद सीआरपीएफ की भी हमारे पास टीम्स हैं, और सब लोग जो है एक सिनर्जेटिकली जो है इस ऑपरेशन को डील कर रहे हैं। तो अभी तक सर क्या लगता है कितने आतंकी थे और क्या आई विटनेस के हिसाब से हमारे पास जो एक अकाउंट आया था उसमें दो जो है आतंकियों की बात हो रही थी, बट जो हमारा एनालिसिस है और जो हमने इसमें अभी तक मैं कहूंगा इन्वेस्टिगेशन की है, उसके हिसाब से, उस इंक्वायरी के हिसाब से 2 से 3 के करीब इसमें टेररिस्ट जो है वो इन्वॉल्व होने चाहिए। तो सर क्योंकि रजौरी से बिल्कुल साथ का ही एरिया है और रजौरी में भी जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वहां से तो नहीं कोई आतंकी जो है रजौरी से इधर रियासी में आके कुछ। देखिए, बाउंड्रीज सिर्फ एक लीगैलिटी के लिए मैटर करती हैं। टेररिज्म को जब हम डील करते हैं तो वो बाउंड्रीज नहीं देखते, तो नेचुरली हमारा जो रिस्पांस होता है वो इस चीज़ से बाउंड नहीं है कि कौन सा इलाका है और क्या है। इसमें इनफैक्ट हमारी रजौरी की भी टीम्स जो हैं और उसकी तरफ से जो वहां पे आर्मी और सीआरपीएफ वहां की तरफ से लगी हुई है, उनकी टीम्स भी ज्वाइंटली अपना किरदार अदा कर रही हैं। क्वेश्चनिंग लिए कुछ लोगों को डिटेन वगैरह किया है? देखिए, हमारे पास कुछ इसके बारे में अभी सॉलिड डिटेल्स नहीं है। वी हैव कॉल्ड अ लॉट ऑफ पीपल फॉर क्वेश्चनिंग। उसमें जैसे हमारे पास कोई कंक्रीट लीड आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुछ मतलब कितने लोग हैं जो? देखिए, इस वक्त कोई स्पेसिफिक नंबर बताना सही नहीं रहेगा। हमारे पास काफी लोग जो हैं जो क्वेश्चनिंग के लिए हमने बुलाए। तो क्या लगता है कोई कौन सी तंजीम है जो इस तरह का जो कर सकती है? देखिए, जो अभी तक हमें इसमें एमओ के एनालिसिस के हिसाब से और बाकी क्लूज के हिसाब से सामने चीजें आ रही हैं, उस हिसाब से इसमें लश्कर का हाथ हमें दिखता है। तो आगे का क्या रहेगा? अभी जैसे देखिए, आगे जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हमारे पास इनपुट्स आते जाएंगे, हमारा डिटर्मिनेशन यही है, हमारी ज्वाइंट फोर्सेज यहाँ पे लगी हुई हैं, जितना टाइम लगे, जो भी लगे, वी विल फाइंड देम एंड वी विल क्रश देम।